भाईजान बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है कराची से कुंजराब तक बर्फ देखने आपका भाई आ गए। बहुत मजा आ रहा है, बहुत इतनी ठंडी बर्फ नहीं है और इसको गोला बना सकते हैं हम। अब अभी लेके जाएंगे कराची। एक आपको मजे का सीन बताऊं, मैंने अभी ना रास्ते में घर पे फ़ोन किया तो मतलब एक खूबसूरत एक बड़ा सा वाकया हुआ मेरे साथ, तो मैं वो फ़ोन बताऊँगा। मैंने बोला कि मैं जा रहा हूँ बर्फ़ देखने, तो ना वहाँ पर बर्फ़ होगी बहुत सारी, तो मैंने अम्मी से पूछा ले आऊँ, तो अम्मी ने बोला बेटा थैली डबल करवा ली हो ये ना हो कि बाइक पर आया गिर जाएगी तो यार हमारी अम्मी भी अम्मी होती है, तो बड़ा मजा आया और मैंने सोचा थैली डबल कराऊंगा यहाँ से बर्फ लेकर जाऊंगा। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर डे, अनदर व्यू, अनदर डेस्टिनेशन, अनदर एक्सपीरियंस, अनदर मेमोरीज और अनदर एडवेंचर, और साथ साथ आपके लिए बर्फ़ लेकर आया आपका भाई। खुंजराब का व्लॉग लिया है और खुंजराब जो है ना वो बंद किया हुआ है 2 किलोमीटर पहले से। मैंने लोगों के यहाँ पे रिव्यूज़ लिए हैं काफ़ी ज़्यादा लोगों से, लोग फ़िलहाल सेटिस्फाई हैं, लोग चाहते हैं कि अपनी हुकूमत अपनी जो मिलिट्री है उसके साथ ताउन करें और खुश रहें, तो बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। और मैं आपको लोगों के रिव्यूज़ सुनाता हूँ साथ साथ, और बर्फ़ में खेलेंगे भी, मज़े भी करेंगे आपके भाई के साथ। और स्टार्ट में ही बोल दूँ, डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन, सब्सक्राइब करो चैनल को, सब्सक्राइब करो बर्फ़ देखनी है तो। और अब वापसी के भी काफ़ी सारे ब्लॉग से मूवी बनाऊँगा तो वो भी देखते रहो, तो कीप सपोर्ट, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। बस आगे मुझे नहीं आता। हेलो गाइस, वेलकम अगेन विथ न्यू डे, न्यू होप्स, न्यू थॉट्स, न्यू मेमोरीज, न्यू डेस्टिनेशंस, न्यू एडवेंचर्स और न्यू प्लेसेस। सो आप सोच रहे होंगे कि इतनी देर से जब मैं मतलब लास्ट कई व्लॉग से मैं कंटिन्यू जो है वो नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, सो आप सोच रहे हो कि ये भी एक नई चीज़ है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली अभी मैं रुका हूँ खुंजराब से थोड़ा सा पहले, अराउंड कोई 80 किलोमीटर या 100 किलोमीटर पहले रुका हूँ, क्योंकि यहाँ पर ब्लास्टिंग का कुछ इशू, तो उसकी वजह से ना हमें रुकना पड़ा। रास्ते में दूसरा सीन हो गया ये सारा ब्लास्टिंग की वजह से, सो कंटिन्यू करूँगा खुंजराब पे। बस मैं रुका था थोड़ी देर, तो मैंने बोला आपसे बात ही कर लें फारिक बैठे बैठे। तो अभी यहाँ पर बहुत अच्छा सा एक आबशार बह रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, तो नदी भी है साथ साथ, ये बह रहा है और ये चल रहा है साथ, और लोग रुके हुए हैं, और ये वाइट मेरा दोस्त जो है, हम लोग बड़ा है मज़े करते हुए आ रहे हैं। हम नीचे चले, तो अब इनकी ख्वाहिश नीचे चलते हैं। क्या मैं पानी की बॉटल लिया, पानी की बॉटल बिल्कुल लिया। तो बाकी जो है ना कंटिन्यू सोच रहा हूँ कि मैं खुंजराब पहुँच पे करूँ, लेकिन फ़िलहाल तो यही सही है, अभी लोग काफ़ी रुके हुए देखें ब्लास्टिंग की वजह से। भाई बड़ा मज़ा आ रहा है यार ट्रिप, यार वन ऑफ द मोस्ट इनके एक्सपीरियंस ट्रिप रहा है ये मेरा, और बहुत मज़ा आया। और जो है वो वादियाँ मतलब ऐसी कोई क्लास है यार, कुछ मतलब नई चीज़ है बिल्कुल, और साथ साथ जो ना लोग इन्जॉय कर रहे हैं, यहाँ अच्छा लोग इन्जॉय कर रहे हैं, और कुछ लोग पानी भर रहे हैं दरियाओं से, तो देखें। सो इसी तरीके से कंटिन्यू कर दूँ, अच्छा एक मुझे नज़र आ रहा है आपको पानी भरा है दरिया में, उसको कंटिन्यू करेंगे हम इस तरीके से ट्रिप को, और साथ साथ भाई मज़ा आ रहा है तो देखते जाओ कीप वॉचिंग। और अभी जो है ना फिलहाल 1, 2, 3, 4, 5, 6 गाड़ियाँ ऑलरेडी हमारे साथ रुकी हुई जो इस वक्त ब्लास्टिंग की वजह सर्वाइव कर रहे हैं, और वो एक भाई आ रहे हैं वहाँ से, और उसकी बात हो सकता है कि ब्लास्टिंग का अगर सीन ख़त्म हो जाता तो फिर टूवर्ड पंजाब वी शुड मूव ऑन। सो मज़ा आ, तो ट्रिप कंटिन्यू करते हैं क्योंकि खुल गया है वो ब्लास्टिंग वाले सीन है वो आप हो गया है,
तो हम भी चलते हैं अपनी बाइक की तरफ, और बाइक की तरफ चलते चलते यूं ही कोई मिल गया है तो बस सारी गाड़ियां जाना शुरू हो गई हैं। ऐसा ऐसा हम भी अपनी चलते हैं बाइक की तरफ चलते हैं। भाई पता है सीन ऐसा है कि क्रिएटिविटी की जो है ना, क्रिएटिविटी की जो हदें हैं, तो वी आर क्रॉस्ड, क्रिएटिविटी की जो हदें हैं ना हमने क्रॉस कर दी। रास्ते में हमने 3 से 4 बॉटल्स जो है वो गिरा दी। गाड़ी वाले ने हॉर्न भी दिया था, भाई बॉटल गिर गई आपकी, बट आई सेड ओके थैंक यू। ऐसा तो क्रिएटिविटी की आवाज़ देखो, ये आपको सामने झरना है, तेरे झरना देखो सामने, और उसके बाद पानी पीने का तरीकेकार देखे ये, और इन्होंने सारी हदें पार कर दी है। दिखाओ दिखाओ वो दिखाओ, ये क्या कहते हैं इसको भाई? ये जी ये हैंड ग्लव है प्लास्टिक का, हैंड ग्लव प्लास्टिक का। अच्छा आइडिया किसका है ये? आइडिया इंस्पायर हुआ है न्यूटन से। हाँ तो न्यूटन का सीन ये था, यदि हमने ये वाला टर्न लिया ना तो हमें याद आया न्यूटन, यदि न्यूटन लिया तो फौरन मिला आप चार्ज। तो ये वो वाला इसाक भाई वाला न्यूटन नहीं है, ये वाला न्यूटन है। तो इस वाले टर्न के फौरन बाद और ये क्रिएटिविटी जो है ना वो इन्होंने निकाली है। पानी फिलहाल पी लिया है, ये रहा मेरा वाला और ये शायद ये। अच्छा ये वो नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं। तो ये भाई ये पार्ट ऑफ द व्लॉग बन गया, और ये इसमें इस पर सब्सक्राइब तो बनता है। चलो सीन ये कि हाउ टू फिल और आप जो क्रिस्टल वाटर एकदम, तो क्रिस्टल वाटर बहुत मज़ा आ रहा भाई। लेकिन ये समझ में नहीं आया कि इस तरह से पानी पीने से शक्ति आ गई इस बंदे में, ये पत्थर उठा उठा के फेंक रहे पानी में, शक्ति मैन। बहुत मजा आप जा रहे हैं, चलते आगे चलते। इस वक्त जो है वो हम पंजाब की पहाड़ियों पर हैं और रास्ता बहुत हिली है, तो हमें रास्ते में तो ब्राउन यॉर्क भी नज़र आया और ब्लैक भी है। ये देखें ये टॉप पे अगर आपको नज़र आ रहा है तो ऊपर ब्राउन यॉर्क है ये, और ये देखें ब्लैक यॉर्क है और ये नीचे भी बैठा हुआ है। तो ये यहाँ पर ब्लैक यॉर्क ब्राउन यॉर्क सब नज़र आए, बहुत ज़बरदस्त 2-3 मारफोर भी नज़र आए थे ऊपर, जिनकी वजह से लैंड स्लाइडिंग हो रही थी, हमें पत्थर नीचे फेंक रहे थे। बाकी मंज़र देखें आप इस वक्त, ये देखें ये इसमें खूबसूरत मनाज़िर है। मुनाई
अनफॉर्चुनेटली भाई सीन ऐसा है अनफॉर्चुनेटली कि चाइना बॉर्डर तक पहुंच गया हूं और चाइना बॉर्डर पहुंच गया, लेकिन बस सीन ऐसा है कि भाई ड्यू टू ट्रेड, अभी इन्होंने यही बताया कि ट्रेड की वजह से इन्होंने चाइना बॉर्डर बंद किया। 2 साल के बाद आज बॉर्डर खुल रहा है, 2 साल के बाद आज बॉर्डर खुल रहा है, हिस्टोरिक मोमेंट है, 2 साल के बाद आज खुल रहा है ड्यू टू कोविड, ये बॉर्डर बंद था। यहाँ जाने नहीं देते लोग पहले? नहीं, जीरो पॉइंट नहीं करते? नहीं, वो बंद था, बॉर्डर बंद था। अच्छा, ट्रेड के लिए। भाई सीन ये है कि आफ्टर 2 ईयर्स जो है ये बॉर्डर बंद था ट्रेड की वजह से, तो अब ये एक मिनट में पहले हेलमेट उतार दूँ। सो गाइस सीन ये हो गया है, इतनी दूर से आए बट वी कैन नॉट गो टू द मोनूमेंट ऑफ चाइना। रीज़न ये है कि दो आफ्टर 2 ईयर्स बाद ये हमारे पाकिस्तान आर्मी के कुछ जवान खड़े हुए, इन्होंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर पहले स्टे किया हुआ है कि पब्लिक के लिए बंद किया हुआ है। रीज़न ये है कि आफ्टर 2 ईयर्स कोविड की वजह से यहाँ पे ट्रेड बंद था, तो ट्रेड इन्होंने ट्रेड खोला है, तो 2 ईयर्स बाद जब ट्रेड खुला है तो उन्होंने कहा है कि यार अभी चाइनीज़ ने यहाँ पे कुछ कानून लागू किए हैं कि भाई इसको यहाँ तक स्टॉप करो, अपनी आवाम को यहाँ तक स्टॉप करो। और मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात और बताऊँ, हमारे लोग आते हैं मोनूमेंट तक जाते हैं, तो ये मोनूमेंट जो है ना ये सब एक कहानी है। कहानी कैसी है? सीन ये है कि चाइनीज़ ने हमें रिस्ट्रिक्ट करने के लिए ये मोनूमेंट बनाया और बताया कि भाई ये पाक चाइना बॉर्डर है। और इसके बीच में एक बड़ी मज़े की चीज़ ये है कि इसमें एक तरफ चाइना बॉर्डर और एक तरफ पाकिस्तान बॉर्डर, उसके बीच में एक छोटी सी जगह, वहाँ पर ऐसा सीन ये है कि वो नो मैंस लैंड कहलाती है। वो नो मैन लैंड, मैंने सोचा था कि मैं आपको यहाँ आकर दिखाऊंगा कि नो मैंस लैंड कैसी होती है। तो वहाँ पे अच्छी और वैसी चीज़ें ये हैं कि अगर आप उस लैंड पे मौजूद हो ना, तो ना आपके पास चाइना का कानून लागू होगा, ना आपके पास पाकिस्तान का कानून लागू होगा। तो ये चीज़ है, अभी फ़िलहाल लोग मजबूर हैं ऐसे ही तफरी करने के लिए। ये सारी चीज़ें देख लो, आवाम इसी तरह तफरी कर रही है फ़िलहाल। और भाई अब सोच सकते हो कि कितना बैड लक हो सकता है इतनी दूर से आना, और आने के बाद 0 पॉइंट के करीब तक ना जाना। तो खाली हमारे साथ नहीं हुआ है, लॉट्स ऑफ पब्लिक हियर, ये सब स्टक हैं यहाँ पर, और ये सब यही हमारी तरह ही वेयर कर रहे हैं यार सब चीज़ें। अब क्या है कि मुझे भी लाओ सोशल मीडिया, ये भाई ये सोशल मीडिया पे भाई, भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिराज माही है, सरगोधा से आया। शिराज माही भाई सरगोधा से आए, आप ये बताओ कि इतनी दूर से आने के बाद अब आप 0 पॉइंट, यानी कि जो एक छोटा सा इन्होंने हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए चाइना ने बॉर्डर बनाया हुआ है, बस वो सरगोधा से तकरीबन दिन रात ही सफर किया है। हाँ। 3-4 दिन का टूर था हमारा। अंदर की फीलिंग बताओ जब वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हो तो अंदर? तो हाँ जी, बड़ा यानी कि ना अजीब सा फील हुआ कि बड़ा दुख हुआ। पता क्या, हम तकरीबन 28 घंटे में सफर तय करके आए हैं। हाँ। दिन रात तकरीबन हमने किया भाई, ठीक है, आप लोगों के एक किलोमीटर की वजह से हमें, तो ये गलत है, जो है ना खुलना चाहिए। अभी इंजॉय था मेन उधर से, तकरीबन 2 किलो का फासला रह गया, तो फासला रह कौन सके हम लोगों के तासुरात। दो दिन हम सफर करके आए, पूरे 2 दिन लगा। आप समझ सकते हो कि क्या क्या तासुरात चल रहे हैं लोगों के। 50,000 रुपया लग गया यार, ये यार इस बेचारे को यार 50,000 लग गया, इस उबाल के खाएंगे अंकल जी, अभी चाय बनाएंगे। हाँ जी, अच्छा बर्फ के लिए आप भी आए अंकल जी, ये खिलाओ ना यार, अभी मैंने उबाल लिया, चाय बननी है अभी, उबले नहीं अभी, उबले बर्फ, ये बर्फ में बॉयल होंगे। हाँ जी, ये बर्फ में बॉयल होंगे, जो कुदरत से है ना वो गर्म पानी उसमें, ये सिलेंडर में नहीं, पतीले में होगी इसके अंडे, इस दुख इस चीज का इसको इतनी दूर अंडे लाया मगर अब 0 पॉइंट बॉयल नहीं कर सकता। 6 अंडे हमारे लिए भी बनाएंगे, 6 भी बनाओ आपके लिए, कूलर निकालो यार अंकल लोगों को। माही ने बोल दिया भाई ये रेडी है, बड़ा दिल का बंदा है। फिलहाल अभी और लोगों के तासुरात देख लूं मैं कि और लोग बेचारे क्या 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 बेहद कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हमारे लिए इसलिए इशू बन गया कि यार हम आए बाइक पे, ये लोग तो फिर आराम से बैठ कर आए, सब हम आए बाइक पे, तो मुख्तलिफ लोगों के जो है ना रिव्यू देंगे हम यहाँ। तो जो है वो आपका भाई रहता वो बन जाएगा टीवी वाला, अभी तो टीवी वाला बन जाएगा, तो और मज़ीद जो है ना चलता रहेगा ये वाला सिलसिला। अभी फ़िलहाल जो लोग बेचारे आए हैं इंजॉय तो करना नहीं छोड़ रहा कोई भी, इंजॉय सब अपना पूरा कर रहे हैं, काफ़ी सारे ग्रुप्स आए हुए हैं और हम भी अपने उसी तरह की इंजॉयमेंट लेंगे, लेकिन देखूँगा जरूर, भले मुझे वहाँ जाना पड़े यहाँ जाना पड़े, सब जगह देखूंगा, चाइना बॉर्डर पूरा देखूंगा, छोड़ूंगा कुछ नहीं, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े छोड़ेगा, कुछ नहीं, पैर जो है ना वो लूज़ हो रहे हैं,
पैर ऊपर करें और मुख्तलिफ लोगों के तासरात। अच्छा पता है क्या, बाइक जब चला रहा था ना तो ठंड के मारे ना हालत इतनी टाइट हो गई थी कि बिल्कुल भी जो है ना वो बाइक चल नहीं लो गई। अगर मैं कैमरा देखूंगा ना नीचे, लेकिन यहाँ उतरने के बाद जो है ना ग्लव्स की ज़रूरत पड़ नहीं रही है। जितना अच्छा बोला था ना कि जितना अच्छा, तो तासरात जो है ना लोगों के बड़े, लोग इतने दूर दूर से आए बेचारे सवार हो गए। आगे देखते हैं और क्या क्या चीज़ होती है। फिलहाल इन्जॉयमेंट हमारी होती रहेगी और लुक एट द व्यू। और हम ऊपर भी जाएंगे नीचे भी जाएंगे, तो मैटर ये है कि हम तो फिर बाइक पर आए, हमने फिलहाल इतना इन्जॉयमेंट कर लिया है। और जो लोग बेचारे इतना पैसा खर्च कर कर आए, इतनी चीज़ें खर्च कर कर आए, उनकी क्या हालत होगी। तो बहुत सारे ग्रुप्स आए, यू गाइस कैन सी कि कितने सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। भाई जुनैद भाई मिले, जुनैद भाई के मैंने सोचा तासुरात ले लूँ कि क्या है, इतनी दूर से यहाँ आए। जुनैद भाई बताएं। अस्सलाम वालेकुम। यार क्या बताएं, यकीन करें बहुत डिसअपॉइंट है। मतलब एक वो आपको हम बता नहीं, मैं बता नहीं सकता तासुर। मतलब इतने दूर से हम आए हैं, बीच में कितना कुछ सफ़र भी किया है, एक मतलब नज़र आ रहा है लेकिन पहुँच नहीं पा रहे। मतलब वो जो एक गोल अचीवमेंट होती है ना कि मतलब वो अचीव नहीं कर पाए, मतलब वो रह गए, फिर वापस आना पड़ेगा या जो भी है। थोड़ी देर रह गई। जुनैद भाई बोल रहे हैं कि भाई थोड़ी देर रह गई। और लेकिन ये हुआ है कि मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट था 5 मिनट पहले, लेकिन मैंने भाई को देखा है कि उनकी जो मतलब मेहनत और एफर्ट है इतनी दूर बाइक्स पे, और कहाँ से आए हैं, कितने शौक से आए हैं, तो ये खुश है। मैंने कहा चले शायद इसी में बेहतरी हुई, आपको देख के हौसला होगा हमें, बहुत यकीन करें। चले बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह पिंडी में इनसे मुलाकात होगी ज़रूर। और अगर आपका चैनल है तो मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह वो भी सब्सक्राइब। भाई एक भाई और मिला, आपका नाम? इर्तज़ा भाई। इर्तज़ा भाई मिले। इर्तज़ा भाई इतनी दूर से कहाँ से? हम टेक्निकली अमेरिका से आए हैं लेकिन लाहौर से। फिलहाल वैसे तो टेक्निकली अमेरिका से हैं लेकिन लाहौर से आए और चाइना बॉर्डर देख लें, लेकिन अभी हम 1 किलोमीटर पहले जो हमें रोक दिया गया, तो इसमें आपके क्या तासुर आ रहे हैं, क्या क्या कहेंगे आप, कैसी फीलिंग्स आ रही है? मैं आया हूँ यहाँ पे कराची से बाइक पे जी, तो मेरी तो फीलिंग्स बहुत बुरी हैं, तो मैंने बोला आप अपनी फीलिंग्स बताएं। भाई अब जो मिल रहा है वो मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है, तो मुझे ऐसी समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मुझे ऐसी कोई बात नहीं, अगर आपने बहुत रोक दिया है अब क्या करें। एनीवे कोविड टाइम है, समझ में आता है। यस, आफ्टर 2 इयर्स बोल रहे हैं कि ट्रेड उन्होंने खोला है, तो आई थिंक वी कैन बेयर। या वी कैन बेयर। अब तो यू नो दिल तो चाहता है, बहुत दिल चाहता है जाने का, क्योंकि वहाँ नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। मैं बेसिकली स्टडी करके आया था, मैं नो मैंस लैंड देखने आया था। मैंने बोला कि मैं सेंटर में नो मैंस लैंड देखूंगा। अच्छा भाई इर्तज़ा भाई तो मतलब ये कह रहे हैं इट्स ओके फाइन, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, मिल गया जितना वो देख लिया। तो इर्तज़ा भाई फिर मिलते हैं आपसे। हमें तो किसी ने बताया नहीं। भाई भट्ट साहब हैं, ये भी आए हैं मुल्तान से। नहीं मैं एक्चुअली, मेरे फ्रेंड्स मुल्तान से आए हैं, मैं खुद फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ, बट आई लिव इन इस्लामाबाद। सो अभी भट्ट साहब आपको वहाँ जाने नहीं दिया, हमने 2 किलोमीटर पहले रोका है। रीज़न वैलिड है, रीज़न तो हम नहीं कह सकते क्योंकि रीज़न वैलिड है, बट आपकी फीलिंग्स क्या आ रही है यार वहाँ से नहीं जा सकते? यार मैं तो ज़्यादा हार्ट एंड फील इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तो वैक्सीनेटेड हूँ और मैंने कोरोना का टेस्ट भी करवाया हुआ है और वो नेगेटिव है, तो मुझे तो ज़्यादा फील हो रहा है कि यार मुझे तो एटलीस्ट जाने देना, मैं पैदल चला जाता हूँ। हमारा लिए कि हमें जो है प्रोटोकॉल को रिस्पेक्ट करना चाहिए ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसमें अगर एक बंदे के लिए रूल अप्लाई करता है तो हर किसी के लिए करता है। तो मैंने भी यही बोला, अभी एक और इर्तज़ा भाई भी हमें मिलते हैं, उन्होंने बोला समथिंग इज बेटर देन नथिंग, अगर वहाँ नहीं जाने जा रहा तो वी कैन एंजॉय देयर। बिल्कुल आप वे करें रूल्स को, एंड दैट्स द ओनली वे कि हम इस पेंडेमिक को जल्दी से जल्दी ओवर कम कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाट आई वुड से। थैंक यू भट्ट साहब, फिर इंशाल्लाह आगे अब चलते हैं किसी और के तासुरात लेते हैं। लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब कुछ अच्छे व्यूज़ दे रहे हैं फिलहाल, तो चलते हैं आ जाए। व्यू चेक करें भाई, मेरा पास बर्फ से ढका हुआ है, पूरा पंजाब ढका हुआ है। लोग इंजॉय कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, हम भी इंजॉय कर रहे हैं। और यार वाकई ऑक्सीजन का थोड़ा सा इशू है, मुझे अब फील हो रहा काफ़ी देर बाद थोड़ा सा इशू ऑक्सीजन का, बहुत इशू है।
एंजॉय तो करेंगे यहाँ से। अनवर भाई ये हमें मिले हैं यहाँ, ये अपनी जो है ना वो जोजा मोहतरमा के साथ है। तो सर बताएं कि अब इतनी दूर हम यहाँ से यहाँ आए और हम जीरो पॉइंट तक नहीं पहुँच सके, तो आपकी क्या फीलिंग्स हैं? सर मेरी फीलिंग ये है कि मेरा बेटा आया था जिसका नाम है वकार, ये जुलाई में आया था, ठीक, जुलाई 2020 में आया था, ठीक। उसका कहना ये है कि मैं जो है हूँ चाइना बॉर्डर तक गया हूँ जी, उस वक्त खुला हुआ था। अभी मैं इस वक्त भी इन्होंने कहा, मैंने इनसे बात की, आर्मी वाले खड़े थे फौजी लोग, इन्होंने बोला कि अभी किसी वजूहत की वजह से हमने थोड़ा सा इसको बंद किया है, 10 दिन के बाद ये खुल जाएगा, फिर आप वहाँ जा सकते हैं, हम खोल लेंगे। तो आप क्या कहते हैं, इन्हें वहाँ बताना चाहिए था स्टार्टिंग में ताकि लोग इतने ऊपर ना आए? नहीं नहीं आए, यहाँ तक तो आ सकते हैं ना, एंजॉय करेंगे। बताया था हमको कहना थोड़ा आगे से ये इस दफा थोड़ा रोक लिया गया है, तो अगर आप जाना चाहते हैं तो जाएं, लेकिन है ना बॉर्डर तक नहीं जाने देंगे। मतलब ये उनका एक अच्छा एग्जाम था, सच बताऊं तो वीडियो में मैं बताना चाहता हूं कि हमें भी बताया था, लेकिन हम तो एंजॉय करने के लिए आगे। लेकिन ये व्यू भी बहुत अच्छा है, ये व्यू अच्छा है, स्नो है यहाँ पर, सब कुछ है, इतनी बड़ी बात है कि वहाँ तक भी हम लोग गए, ये भी सही है। अब आगे जो है मतलब हमें साथ देना चाहिए अपनी मिलिट्री का, बिल्कुल इनको इनके साथ साथ चलना चाहिए, हमको जिद नहीं करना चाहिए, हमें छोड़ने छोड़ने वो अपनी जगह, वो चाहते हैं कि भाई यहाँ पर जो लोग आए तो इंजॉय के लिए आ रहे हैं, बिल्कुल। अब हम जो आपको नहीं छोड़ रहे उसका दुख हमें भी है, वो कहते हैं कि अगर आप आए हैं और हम आपको नहीं छोड़ रहे हैं एक मजबूरी की वजह से, तो हमें भी दुख है इस बात का, हमें उनके मतलब रिस्पेक्ट करनी चाहिए उनकी सब चीज़ों की, बिल्कुल ये जरूरी है। भाई अंकल के साथ बड़ा मज़ा आया बात करके, उन्होंने बताया कि रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें अपनी मिलिट्री की, अपनी फोर्सेस की, तो अब और लोगों के व्यूज लेते हैं लगा ना ये सब जी। एग्जैक्टली मैं आपको चैनल का लिंक भी दूंगा, चैनल का लिंक भी दूंगा, रोड वेंचर्स मेरा अपना पर्सनल यूट्यूब चैनल है। क्या नंबर है? रोड वेंचर्स, रोड वेंचर्स। हमारे यहाँ तो टीम भाईजान बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है कराची से, कराची से कुंजराब तक बर्फ देखने आपका ही आ गए, बहुत मजा आ रहा है, बहुत इतनी ठंडी बर्फ नहीं है और इसको गोला बना सकते हैं हम। अब अभी लेके जाएंगे कराची। एक आपको मजे का सीन बताऊं, मैंने अभी ना रास्ते में घर पे फ़ोन किया तो मतलब एक खूबसूरत एक बड़ा सा वाकया हुआ मेरे साथ, तो मैं वो फ़ोन बताऊँगा। मैंने बोला कि मैं जा रहा हूँ बर्फ़ देखने, तो ना वहाँ पर बर्फ़ होगी बहुत सारी, तो मैंने अम्मी से पूछा ले आऊँ, तो अम्मी ने बोला बेटा थैली डबल करवा लियो ये ना हो कि बाइक पर आएगा गिर जाएगी तो यार हमारी अम्मी भी अम्मी होती है, तो बड़ा मज़ा आया और मैंने सोचा थैली डबल कराऊंगा यहाँ से बर्फ़ ले कर जाऊँगा, तो बहुत मज़ा आ रहा है। और मज़ा जो है ना मैंने सोचा बैठ के तो ले लिया है, थोड़ा सा लेट के भी ले लिया जाए, अब पता नहीं घर तक जाते जाते क्या होगा, लेकिन आपका भाई बर्फ में खेल रहा है, बहुत मजे कर रहा है बहुत मजा आ रहा है बर्फ में, और ये रही बर्फ बहुत कराची से अपनों में कुंजराब बर्फ देखने के लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ, और ये और आपको भाई फुल इंजॉयमेंट चल रहा है, ये बर्फबारी हो रही है और यार बहुत मजा आ रहा है, बहुत बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। कराची से अपनों में बर्फ देखने हम आए हैं कैमरामैन अहमद के साथ, टीम रोज वेंचर्स ऑफ पाकिस्तान, आपका दोस्त हैश। सो गाइस कीप सब्सक्राइब, यार बहुत मजा आ रहा है और इतना मजा आ रहा है बर्फ के अंदर के मैं तुम्हें क्या बताऊं, दिल चाह रहा गोला बनाऊं और गोला बना के खाऊं, और ये आपके लिए। लेकिन जो है ना प्लीज सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकॉन। यार बर्फ ठंडी बहुत है, पता नहीं क्यों ये बर्फ ठंडी बहुत है, हमारे यहाँ की बर्फ जो होती है जल्दी पिघल जाती है, पिघल नहीं रही है। तो व्यू आप देख रहे हो, अहमद भाई इनको ऊपर का व्यू दिखाएं, ये सारा व्यू देख रहे हो, भाई को देख रहे हो, तो भाई मुल्तान से आए हैं सारे भाई, बड़ी मोहब्बत थी इन्होंने, और जो है ये पंजाब पास आए थे, ये भी हमारी तरह चाइना बॉर्डर नहीं देख पाए, और भाइयों ने कहा कि हमें भी शामिल होना है, तो आप कुछ अच्छा सा कोई योजना करते हैं, इनको सबको इनको सब्सक्राइब कर लो, इनको लाइक कर लो, ये कराची फाइबर लिंक जो है ना फोरम के भाई उनका निहाल रहते बड़ी हवा भाई आ करें दिए सब्सक्राइब करो बर्फ़ देखनी है तो, और आप वापसी के भी काफ़ी सारे ब्लॉग्स हैं वो भी बनाऊंगा, तो वो भी देखते रहो, तो कीप सपोर्ट, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग, बस आगे मुझे नहीं आता।
अल्लाह हाफिज़।